आई नो थोड़ा लेट हो गया है ये खबर सुनाने में। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा ये खबर डाल दी थी, जो भी डॉग ब्रीड बैन को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उससे रिलेटेड। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो पूरा केस था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, 23 डॉग ब्रीड को बैन कर देने का, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। ठीक है, ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है। और जो लोग चाह रहे थे कि कोई डॉग ब्रीड बैन ना हो, ठीक है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस खबर को लेके। तो धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है डॉग ब्रीड बैन को लेके। अब कहीं भी कोई डॉग ब्रीड बैन नहीं है और काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम वाली बात है, वो क्या है इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉग से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। यदि आपको कोई कंसल्ट करना है, कुछ पूछना है मेरे से कि किस डॉग को कैसे रखना है, किसका क्या बिहेवियर होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम गौरव है और मैं एक एनिमल बिहेवियरिस्ट हूँ। जो डॉग ब्रीड बैन को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि ये 12 मार्च 13 मार्च से शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन 99% लोगों को ये नहीं मालूम, ये जो मुद्दा है ये आज का नहीं है, 1 महीने पुराना नहीं है, ये दिसंबर का मुद्दा है। दिसंबर के अंदर ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 3 डॉग ब्रीड एक ऐसी हैं जो इंडिया में जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। उनमें नाम थे रॉटविलर के, पिटबुल के और डॉगो अर्जेंटिनो के। तो इनको बैन करने के लिए रिकमेंड किया गया था कि इनको बैन कर देना चाहिए इंडिया से। फिर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को ये केस सौंपा और उन्होंने कहा कि हमारा काम बैन कर देना नहीं है, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। और हर स्टेट में आप अलग अलग जगह से ओपिनियंस पूछिए कि क्या ये बैन कर देना सही रहेगा या नहीं। तो जैसे ही 3 महीने पूरे हुए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया था, जैसे ही 3 महीने पूरे हुए 12 मार्च को एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि टॉप 23 डॉग ब्रीड को बैन कर दिया जाए इंडिया से। कहाँ तो 3 डॉग ब्रीड और कहाँ टॉप 23 डॉग ब्रीड। ठीक है, वो हो गया, यहाँ तक सब लोगों को मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब डॉग ब्रीड जब बैन हो गई तो फिर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों ने आवाज़ उठाई, काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया, लॉयर हायर किए, काफ़ी लोगों ने कम्युनिटी बनाई। ठीक है, और अपने जो अगेंस्ट जो पार्टी थी उससे ज़्यादा बहस की, उससे ज़्यादा केस लड़े। ठीक है, और काफ़ी हद तक जीत भी हासिल की। काफ़ी कुछ हो चुका था इन टाइम में, 1 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ हो चुका था। आज हमें एक तसल्ली है कि चलो हमारी जो डॉग ब्रीड है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ड्रीम डॉग है, काफ़ी जो छोटे बच्चे हैं जो अभी 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, वो चाह रहे हैं कि हम बड़े होकर ये डॉग रखें। ठीक है, काफ़ी यंग एजेड लोग भी हैं जो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें ये डॉग रखना है आज नहीं तो कल, कि हमारे पास बड़ा घर हो जाए तब हम ये डॉग ब्रीड रखेंगे। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका ड्रीम डॉग है, चाहे वो रॉटविलर हो, चाहे वो डॉग अर्जेंटिनो हो, एनीवन कोई भी गार्ड डॉग हो, तो काफ़ी लोग खुश हैं। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब दिसंबर में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस समय 3 डॉग ब्रीड थी, फिर 20 टॉप 3 डॉग ब्रीड आ गई है ना जो बैन कर दी गई, उसके अंदर भी लोगों को ये लग रहा था कि शायद टॉप 23 डॉग ब्रीड ही है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि दो ग्रुप टेरियर और मैस्टिफ वो पूरी तरीके से बैन कर दिए थे। अब टेरियर ग्रुप में भी काफ़ी डॉग आते हैं, ठीक है, मैस्टिफ में भी काफ़ी डॉग आते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि लगभग लगभग 75-85% जो डॉग ब्रीड थी उनको बैन कर दिया गया था। अब इस चीज़ को आपको समझिए कि इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये मुद्दा दोबारा उठेगा, आज नहीं तो 2 महीने बाद। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो में किसी को डराने के लिए या ऐसी कोई अफवाह फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अभी इस चीज़ के ऊपर बहस और होगी, तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बात की जाएगी, एनजीओ हैं उनसे बात की जाएगी। ठीक है, और लोगों से ओपिनियंस पूछा जाएगा। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा जो एनजीओ है पेट से रिलेटेड, वो है पेटा। अब पेटा की ऑफिशियल साइट पे आप जाते हैं तो पेटा ने क्लियरली बोल रखा है ये फेरोशियस जो डॉग ब्रीड है, रॉटविलर, पिटबुल, इन सबको बैन कर दो। तो पेटा तो यही बोलेगा कि ये डॉग ब्रीड डेंजरस है और इनको बैन कर देना चाहिए। ठीक है, और यदि ये साबित हो जाता है कि ये जो डॉग ब्रीड है फेरोशियस है, और गवर्नमेंट के सामने यदि आ जाता है, कोर्ट के सामने यदि आ जाता है कि हाँ इनको बैन कर देना सही है,
तो यकीन मानिए कोई केस कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा डॉग ब्रीड बैन हो जाएगी। आप कुछ आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, मैंने फिर बताया ना, कोई अफवाह फैलाने के लिए, ये आपको अवेयर करने के लिए कि अभी हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब ये मुद्दा दोबारा उठे उससे पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, हमें क्या प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, उसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप अपने डॉग का बिहेवियर चेंज कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो डॉग है वो एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए कहीं ना कहीं जब ये बैन वाला जो मुद्दा चला था तो काफ़ी लोगों ने अपने डॉग रोड पे छोड़ दिए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका डॉग डेंजरस है, काटता है। ठीक है, तो अगर आपका डॉग डेंजरस है, आपका डॉग थोड़ा एग्रेसिव है, तो एक अच्छा ट्रेनर हायर करके उसका जो बिहेवियर है उसको चेंज कीजिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप डॉग का बिहेवियर चेंज करेंगे, डॉग एकदम कूल हो जाएगा, एकदम सही तरीके से घर में रहेगा, तो आप बोल सकते हो कि मेरे डॉग का बिहेवियर ख़राब नहीं है, इसलिए मैं अपने डॉग को अपने साथ रख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या उठाना है कि किसी भी सिचुएशंस में अपने डॉग को बाहर रोड पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये एक मुद्दा बन जाएगा एनजीओज के लिए कि इन लोगों से जो ब्रीड लवर हैं उनसे ब्रीड रखी नहीं जाती। ठीक है, वो बाहर रोड पे छोड़ देते हैं और ये डॉग फिर बाद में अटैक करते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझना होगा कि जो पेट डॉग होते हैं वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी तरीके से हम पे डिपेंड होते हैं। हम खाना देते हैं तो खाना खाते हैं, हम वॉक पे ले जाते हैं तो वॉक पे चले जाते हैं, तो वो सारे डॉग पूरी तरीके से हम पे डिपेंड हैं। ठीक है, अगर आप उसको बाहर छोड़ देंगे तो या तो वो मर जाएगा, नहीं तो वो किसी को काटेगा, फिर नाम पूरी ब्रीड बदनाम हो जाएगी। ठीक है, पूरी ब्रीड का नाम आ जाएगा कि किसी रॉटविलर ने काट दिया ओनर की गलती वजह से, तो देखो रॉटविलर ब्रीड कितनी डेंजरस है, या डॉग अर्जेंटिनो कितना ख़राब है, इनको बैन कर दो। तो ये कदम आपको नहीं उठाना है। अगला स्टेप क्या करना है, जो भी सोशल मीडिया पे डॉग एग्रेशन की वीडियो चल रही है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाली व्यू पाने के लिए डॉग एग्रेशन की वीडियो डालते हैं कि मेरा डॉग इतना ज़्यादा एग्रेसिव है। कुछ लोगों का होता है रियल में, कुछ लोगों का नहीं होता, वो खाली एक शूट के टाइम ही उसको एग्रेसिव कर देते हैं। ठीक है, तो उन लोगों से भी आप कहिए कि प्लीज़ आप डॉग एग्रेशन की वीडियो मत डालिए, क्योंकि तो यूट्यूबर्स वही चीज़ दिखाना पसंद करता है जो उसके व्यूवर्स देखते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो जब आप अपने जो जिनको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं केवल इसलिए कि उनका डॉग एग्रेसिव है और वो एग्रेशन शो करता है, तो प्लीज़ आप उनको बोलिए कि आप अपने डॉग की लॉयल्टी दिखाइए, काइंडनेस दिखाइए, हैप्पीनेस दिखाइए, एग्रेशन हमें नहीं देखना है। क्योंकि तो हम सबको मालूम है ये डॉग ब्रीड कितनी ज़्यादा डेंजरस है। एक डॉग अर्जेंटिनो माउंटेन लायन को मार देता है, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा डेंजरस होगा। लेकिन हमें वो चीज़ नहीं देखनी है, हमें लॉयल्टी देखनी है, हमें उनकी हैप्पीनेस देखनी है, ताकि जब हम उन्हें घर में लाएं तो हमारे दिमाग में इमेजिनेशंस ये ना हो कि ये डॉग एग्रेसिव है। हमारे दिमाग में ये इमेजिनेशन होनी चाहिए कि हम इस डॉग को बहुत ही बहुत लॉयल बनाएंगे, बहुत ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बनाएंगे। ठीक है, तो यूट्यूबर्स को भी मैं थोड़ी एडवाइस देना चाह रहा हूँ जो डॉग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, कि प्लीज़ आप डॉग को एग्रेसिव करके वीडियो मत बनाइए। ठीक है, डॉग हैप्पीनेस की वीडियो बनाइए, क्योंकि यूट्यूबर्स के हाथ में ही होता है कि किस चीज़ का चलन चलाना है यूट्यूब पे। ठीक है, और जहाँ आपको लगे कि डॉग फाइटिंग की वीडियो आ रही है तो उसको प्लीज़ रिपोर्ट कर दीजिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, उनको बोलिए कि आप प्लीज़ डॉग फाइटिंग की रिपोर्ट जो वीडियो है वो मत डालिए, क्योंकि ये इनलीगल है इंडिया में। ठीक है, अब ये सारे जब आप काम करेंगे तो आगे यदि इन फ्यूचर दोबारा ये केस उठता है तो कहीं ना कहीं हमारा केस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। जो ब्रीड लवर है, ठीक है, वो कभी भी कोई ऐसी गलती ना करें जिससे हमारा केस कमज़ोर हो जाए। दूसरी बात आती है ब्रीड आपको सिलेक्ट कैसे करनी है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कीजिए, बहुत ज़्यादा। जो अच्छे एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं आप उनसे कंसल्ट कीजिए। ठीक है, फिर एक चीज़ का ध्यान रखना, सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, एक अच्छी ब्रीड लेना, यानी अगर आप कोई ऐसी डेंजरस डॉग ब्रीड ले रहे हैं, क्योंकि तो बेनिफिट ये होता है जब आप एक सस्ता डॉग ले लेते हो तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, उनको पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, उनसे जो मदर होती है जो उनकी उनके तीन तीन चार चार बार बच्चे ले लिए जाते हैं एक ईयर के अंदर, तो उस कारण क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी चिड़चिड़े आते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के आते हैं। और जब आप एक अच्छी ब्रीड लोगे, एक बार पैसा लगा दोगे तो आपको एक अच्छा पपी मिलेगा,
ठीक है, जो क्वालिटी वाइज भी अच्छा होगा और नेचर वाइज भी काफी अच्छा होगा। वो तो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो एक बार थोड़ा खर्च कर लीजिए, एक अच्छा पपी ले लीजिए। और ब्रोकर से कभी नहीं लेना जो इधर का उधर करते रहते हैं पपी, उनसे कभी नहीं लेना, एक अच्छे ब्रीडर से जाके लीजिए या जो इस फील्ड में काम कर रहा हो उससे जाके लीजिए, जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ ये जो पर्सन है ये हमें अच्छा ही डॉग देगा। पूरी रिसर्च करने के बाद शो ऑफ करने के लिए कोई डॉग नहीं लेना है कि मेरे पड़ोस में किसी ने रॉटविलर लिया तो मुझे डॉग अर्जेंटिनो लेना है, ऐसा नहीं। आपकी नीड क्या है, ठीक है, और आप डॉग की नीड को पूरा कर सकते हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को देख के समझ के रिसर्च करके फिर ही कोई डॉग सेलेक्ट कीजिए। तो ये सारी प्रिपरेशन आप करके रखेंगे तो यकीन मानिए इन फ्यूचर कोई भी डॉग ब्रीड बैन नहीं होगी, ठीक है। आगे जाके ये जो मार्केट है, ये जो डॉग फील्ड है, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि साल 2 साल हो चुके हैं इन चीज़ों को, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, डॉग मार्केट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। जिन लोगों के डॉग 1-1 लाख के थे वो 50,000 में भी निकालने को तैयार हो गए हैं अपने लोग। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो ब्रीडर्स हैं उनके लिए भी मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप डॉग ब्रीड सेल कीजिए, मर्जी आप चाहे कितना पैसा लगाइए, लेकिन पहले आप ये चेक कर लीजिए कि जिसको आप डॉग दे रहे हैं क्या वो डॉग रख सकता है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा काम केवल अच्छी पपी लेना और कस्टमर को सेल कर देना, फिर वो चाहे मर्जी कैसे रखे, ऐसा नहीं। आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरा चेक करके रखें कि जहाँ मेरा डॉग गया है वो किस हालात में है, वो कैसा पल रहा है, उसकी परवरिश कैसी हो रही है। चंद रुपयों के लिए ना किसी बेजुबान जानवर की ज़िंदगी के साथ गलत करना चाहिए और ना सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज पहुंचाना चाहिए जिससे ये डॉग ब्रीड बैन होने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑल इंडिया में डॉग सेल करते हैं, ठीक है, उन्होंने एक बार पपी दे दिया तो दे दिया, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, ठीक है। उन्होंने उनका काम होता है ब्रीडर्स का कि पपी ले गया एक बार घर से बाहर रखा, हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो ये चीज़ भी गलत है, और कस्टमर को भी ये ध्यान रखना है कि उसी ब्रीडर से ये पपी लें जो लाइफ टाइम तक उससे कनेक्ट रह सके, उससे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सके, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसके बाद ही एक डॉग लेके आइए घर में, जिससे ये होगा कि एक तो ब्रीडर, एक वेटनेरियन और एक डॉग लवर, ठीक है, ये तीनों चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन चलेगा। जो डॉग लवर हैं वो पेट पेरेंट्स हैं, जो वेटनेरियन हैं या फिर जो अपने ब्रीडर हैं, वो सारे लोग मिलके यदि एक पपी की परवरिश करेंगे तो यकीन मानिए जो वो पपी होगा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा, बहुत ही हैप्पी तरीके से रहेगा और बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होगा। तो एक मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी गलती आपसे ना हो जाए, ठीक है, डॉग से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल पे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी डॉग से रिलेटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा फैले।